हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है ये आपका जो बीएससी थर्ड में जो पेपर फर्स्ट है जूलॉजी का, जिसकी फर्स्ट यूनिट है पैरासिटोलॉजी, जिसमें आपको तीन जो पैरासाइट्स हैं उनकी स्टडी करनी है, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया और ओचेरेरिया। इनमें से ट्रिपैनोसोमा के की जो स्टडी है उसके बारे में जो वीडियो है वो हम पहले बना चुके हैं, आपको आज के वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या जो हमारा चैनल है एजुकेयर साइंस सॉल्यूशन उसमें सर्च कर सकते हैं। आज जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो जियार्डिया है, जो सेकंड पैरासाइट है जियार्डिया, उसके बारे में है। जियार्डिया आप में से बहुत से लोगों को पेट दर्द हो चुका होगा। पेट दर्द में जो सबसे कॉमन पैरासाइट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, प्रोटोजोअन पैरासाइट, दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबिक डिजेंट्री पढ़ी होगी आपने। बहुत अमीबिक डिजेंट्री के आगे जो जियार्डियल डिजेंट्री है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो जिस डिजेंट्री या जिस डिजीज़ के बारे में पढ़ना है उसका जो पैथोजन है दैट इज़ जियार्डिया। अब आप समझ गए होंगे कि ये भी एक प्रोटोजोअन है, और इससे पहले जो आपने एनिमल जो है ट्रिपैनोसोमा वो भी प्रोटोजोअन ही है। तो इन दो प्रोटोजोअन एनिमल्स की आपको स्टडी करनी है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन देखें इसका, तो ये प्रोटोजोअन है किंगडम प्रोटिस्टा है, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमैस्टिगोफोरा और सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा, क्लास जू मैस्टिगोफोरा या जू फ्लैजिलेटा। यहाँ तक का जो क्लासिफिकेशन है वो ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया का सेम है, सिर्फ जो चेंज है वो इसके ऑर्डर में है। जो जियार्डिया है इसका ऑर्डर डिप्लोमोनेडिडा है, ये जो वर्ड यूज किया गया है डिप्लोमोनेडिडा, जिसका मतलब होता है टू यूनिट्स, क्योंकि इसके जो मेन सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब के सब डबल यूनिट्स में हैं। ये इसकी जो बॉडी, अभी आप जो आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बायोलेटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि इसकी बॉडी को अगर आप बीच से इसकी एक्सिस से जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उससे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करें तो दोनों ही इक्वल पार्ट में जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे आपको वो इक्वल मिलेंगे दोनों ही पार्ट्स में। इसलिए ये डिप्लोमोनेडिडा है, जीनस जियार्डिया। स्पीसीज लगभग 40 स्पीसीज डिस्क्राइब्ड हैं जियार्डिया की अलग अलग एनिमल्स में। ये जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है इसके इंट्रोडक्शन में, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होता है अलग अलग वर्टिब्रेट्स में, कि इंटेस्टाइन में इसको पाया गया है अलग अलग स्पीसीज। ह्यूमंस में जो पैरासाइट पाया जाता है वो है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, इसकी जो स्पीसीज है, क्योंकि इंटेस्टाइन में पाया जाता है और उसके ज़्यादातर ड्यूओडेनल पार्ट में पाया जाता है, तो इसका एक इसी सिनोनिम जो है स्पीसीज का दैट इज़ ड्यूओडेनल या लैम्बलिया भी कहते हैं, तो ये सब सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं। आप जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस कह सकते हैं, जियार्डिया ड्यूओडेनल या जियार्डिया लैम्बलिया कह सकते हैं, ठीक है। ये जो अदर स्पीसीज़ हैं ह्यूमंस में, ये हिपैमिटा या हेक्सैमिटा, इसकी स्पेलिंग्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो वर्मा और जॉर्डन की बुक है उसमें आपको हिपैमिटा लिखा मिलेगा, जबकि कोटपाल में हेक्सैमिटा, एक्चुअली ये हेक्सैमिटा ही है, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कहीं कहीं हो जाती है, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, एक ही स्पीसीज हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है जियार्डिया, सबसे पहले जो जियार्डिया डिस्कवर किया था वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जानते हैं ना कौन है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द ग्रेट माइक्रोस्कोपिस्ट, ठीक है, जिन्होंने माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी में उन्होंने सबसे पहले जियार्डिया को देखा था। लेकिन ये जो नाम इस एनिमल को दिया गया है, ये ग्रेट जूलॉजिस्ट जो हैं फ्रेंच जूलॉजिस्ट अल्फ्रेड मैथ्यू जियार्ड, उनके नाम पे इसका नाम दिया गया था जियार्डिया, ठीक है। तो ये तो नाम हो गया इसका, हैबिट एंड हैबिटेट हमने बताया ही आपको, चूंकि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, वर्टिब्रेट्स की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी ह्यूमन पॉपुलेशन है
वहाँ वहाँ जियार्डिया का इन्फेक्शन मिल जाएगा आपको। नॉर्मली ये जो है ये जो सॉइल होती है, जो फीकल कंटेमिनेटेड जो भी मैटर होता है, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, या जो अदर सर्फेसेज हैं, जहाँ कहीं पर भी फीकल कंटेमिनेशन होगा, फीकल समझते हैं ना, जो आपका एक्सक्रीटा होता है, इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटा, तो वो जहाँ जहाँ उसका कंटेमिनेशन होगा वहाँ वहाँ इसके पाए जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम जियार्डिया की, तो ये दो फॉर्म्स होते हैं इसके। एक तो फॉर्म जो है वो ट्रोफोजाइट कहलाता है और दूसरा सिस्ट कहलाता है। ठीक है, अभी जब लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे तो उसमें दोनों ही फॉर्म्स आपको मिलेंगे। फिलहाल उनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो यहाँ हमने डिस्क्राइब करी है, आप देख सकते हैं जो बॉडी है इसकी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर करिएगा, यहाँ पर हमने रेड से लिखा है एक चीज़, तो ये जो रेड से लिखा है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ये जो इसका स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे, आप अभी आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई ओल्ड चाइनीज मैन हो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, जैसे ये जो फर्स्ट डिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर है ट्रोफोजॉइड का है, जिसकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल अभी बताई हमने आपको, पियर शेप्ड, पियर शेप्ड जानते हैं ना, नाशपाती देखी होगी आपने, ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे पतली होती है, लेकिन वो जब लटकती है तो उल्टी होती है, तो उससे आप कम समझ पाएंगे। अगर एक आप बैलून की इमेजिन करें जो ऊपर से फूला हुआ हो, चूँकि बैलून ऊपर हवा भरी होगी तो ऊपर मोटा होता है नीचे पतला होता है, तो उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। या यहाँ पर अगर हम बनाएं, तो अभी क्या बनाया है हमने, एक बैलून बनाया है। ठीक है, तो आप देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल पियर शेप्ड, तो ये पियर शेप्ड के लिए हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, विद राउंडेड एंटीरियर एंड एंड टैपरिंग पोस्टीरियर एंड। इसका जो राउंड शेप का ये स्ट्रक्चर है, ये इसका एंटीरियर एंड हो गया और ये पोस्टीरियर एंड हो गया। ठीक है, साइज 12 टू 15 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 5 टू 9 माइक्रोमीटर इन विड्थ, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक होता है। वैसे तो आप चूंकि प्रोटोजोआ में पढ़ ही चुके हैं, ज़्यादातर बहुत ही स्मॉल एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, तो इसका साइज भी बहुत छोटा होता है। और जो इसका साइटोप्लाज्म है, इसमें दो न्यूक्लेई होते हैं, दो एक्सोस्टाइल्स होते हैं और दो पैराबेसल बॉडीज होती हैं। ठीक है, इसीलिए ये बायलैटरली सिमेट्रिकल जो डिप्लोमोनेडिडा ग्रुप है, वो नाम ही इसका इसीलिए दिया गया है इस ग्रुप का। एक्सोस्टाइल जो है ये फॉर्म द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले इस नेक्स्ट पॉइंट हम बनाते हैं इसका एक्सोस्टाइल, कहाँ होता है ये, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई बॉडी की। राइजोप्लास्ट मेक कॉम्प्लिकेटेड लूप्स, ये लूप्स अभी हम बनाएंगे आपको स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे बाद में, उस क्यों बाद में बनाएंगे ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। फोर पेयर्स ऑफ फ्लैजेला एराइज फ्रॉम फोर पेयर्स ऑफ बेसल ग्रेन्यूल्स, थ्री pairs of these arise from the median longitudinal axis, one at anterior most, one in the middle and one at the posterior along with the exostyle। तो राइजोप्लास्ट बनाने से पहले हम आपको फ्लैजेला बना के दिखाते हैं। अब जहां से फ्लैजेला arise होंगे वहां क्या होगा, basal granule होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्लैजेला बनाते हैं हम, वो एक्सोस्टाइल के एंटीरियर एंड से बनाते हैं। ठीक है, दूसरा जो पेयर है ये मिडिल से निकलता है, और तीसरा जो पेयर है ये इसके पोस्टीरियर पॉइंट से निकलता है। तो ये थ्री पेयर ऑफ फ्लैजेला हो गए। ठीक है, अब हम इसका राइजोप्लास्ट बनाते हैं। राइजोप्लास्ट जो है ये टिपिकल
स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सोस्टाइल के एंट्रीडेंट से होता है और ये जो राइट साइड का है वो लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड का जो है वो राइट साइड के फ्लैजलम से अटैच होता है। ठीक है, तो ये टिपिकल लूप या कॉम्प्लिकेटेड लूप जो लिखा गया है वो बनाते हैं। ठीक है, तो थ्री पेयर ऑफ फ्लैजला हो गए अराइज फ्रॉम मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, वन एट एंटीरियर मोस्ट, वन इन द मिडिल एंड वन एट द पोस्टीरियर अलोंग विद द एक्सोस्टाइल। आप देख लीजिए, ये तीन फ्लैजला, थ्री पेयर ऑफ फ्लैजला अराइज हो रहे हैं। द फोर्थ पेयर ऑफ फ्लैजला अराइज फ्रॉम द लेटरल साइड, और लेटरल साइड में जहां पर एंड होता है राइजोप्लास्ट, यहीं से अराइज होते हैं। तो ये तो हो गए बेसल ग्रेन्यूल्स या फोर पेयर ऑफ बेसल ग्रेन्यूल्स, वन टू थ्री एंड फोर। तो ये फोर पेयर ऑफ बेसल ग्रेन्यूल्स हो गए, फोर पेयर्स ऑफ फ्लैजला हो गए। ठीक है, अभी क्या बचा है, अभी बचा है न्यूक्लियस। आपने देखा यहाँ हमने डिस्क्राइब किया है, साइटोप्लाज्म कंटेन्स टू न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस होते हैं इसके, वन एट द राइट साइड एंड वन एट द लेफ्ट साइड। ये दोनों न्यूक्लियस हो गए और ये अटैच होते हैं यहां से, अब जो इसमें स्ट्रक्चर बचा हुआ है दैट इज पैराबेसल बॉडी। ये भी टू पेयर्स होते हैं लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो इस एक्सिस पे ये बहुत क्लोज होते हैं, तो कई बार डायग्राम में आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ही हैं लेकिन एक्चुअली ये दो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो ये इसके फ्लैजला हो गए, ये बेसल ग्रेन्यूल हो गया, ये भी आप मार्क कर सकते हैं बेसल ग्रेन्यूल, दिस इज राइजोप्लास्ट, न्यूक्लियस दीज आर एक्सोस्टाइल्स एंड दीज आर पैराबेसल बॉडीज। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, किसका है स्ट्रक्चर, ये जियार्डिया के ट्रोफोजॉइट फॉर्म का। ठीक है, जियार्डिया ट्रोफोजॉइट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सिस्ट का स्ट्रक्चर।
तो सिस्ट जो है ओवल थिक वॉल्ड विद फोर न्यूक्ली एंड सेवरल इंटरनल फाइबर्स, चूंकि सिस्ट जो है वो एनक्लोज्ड होती है एक थिक कवरिंग के द्वारा, थिक शेल भी बोल देते हैं उसको। ये एक्चुअली जब ट्रोफोजॉइट एनसिस्टमेंट करता है, सिस्ट बनाता है, तो उसके चारों तरफ एक कवरिंग बन जाती है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। तो जो फाइबर्स होते हैं, फ्लैजेला जो हैं, वो ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन जो खास बात है कि सिस्ट जो है वो फोर न्यूक्लिएटेड होती है, यानी चार न्यूक्लियस होते हैं। इसीलिए जब इसका एक्सिस्टमेंट होता है तो उसमें से दो ट्रोफोजॉइट बाहर आते हैं, एक सिस्ट से दो ट्रोफोजॉइट बाहर आते हैं। तो अगर सिस्ट का स्ट्रक्चर देखें आप, तो ऑलमोस्ट ओवल शेप की सिस्ट होती है। और इसके अंदर आपको फोर न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे। और कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स भी दिख सकते हैं। दिस इज द सिस्ट ऑफ जियार्डिया, ठीक है। तो ये तो हुई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसके लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी और ट्रीटमेंट के बारे में। तो लाइफ साइकिल इसकी बहुत सिंपल सी होती है। ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल देखी आपने इससे पहले वाले वीडियो में। ट्रिपैनोसोमा है, या जैसे आपने मलेरियल पैरासाइट पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो इनकी लाइफ साइकिल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। लेकिन जियार्डिया की लाइफ साइकिल बहुत सिंपल सी है। ये सिंपली जब कोई भी पर्सन जब इन्फेक्टेड सॉइल या वाटर ड्रिंक करता है, इन्फेक्टेड जो जिसमें जियार्डियल सिस्ट पाई जाती हैं, तो ये सिस्ट जो है ये स्टमक से पास होकर और ड्यूओडेनम में पहुंचती हैं। जहां से ये आगे इंटेस्टाइन में पास होती हैं, तो जब सिस्ट ड्यूओडेनम में पहुंचती हैं, ये मान लीजिए सिस्ट जो हैं ये ड्यूओडेनम में पहुंच रही हैं, यहाँ पर इनका एनसिस्टमेंट एक्सिस्टमेंट होता है। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, एनसिस्टमेंट और एक्सिस्टमेंट। सिस्ट्स जब दीज आर सिस्ट्स ऑफ जियार्डिया, तो ये जो सिस्ट जब इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं ड्यूओडेनम वाले हिस्से में, तो गैस्ट्रिक जो जूसेस होते हैं उनका एक्शन होता है, जिससे इनकी जो ये क्या कहते हैं, क्या बताया था अभी हमने, जो शेल होता है, शेल वाल होती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, और इसमें से ट्रोफोजॉइट्स बाहर आते हैं। और हमने आपको अभी स्ट्रक्चर में बताया था कितने ट्रोफोजॉइट्स बाहर आते हैं, एक्चुअली दो ट्रोफोजॉइट्स बाहर आएंगे एक सिस्ट से। ये टू ट्रोफोजॉइट्स, एक सिस्ट से दो ट्रोफोजॉइट्स बाहर आएंगे। तो ये ट्रोफोजॉइट्स, ये जो इंटेस्टाइनल विलाई होती हैं, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में आपने, तो उसमें जो माइक्रोविलाई होती हैं इंटेस्टाइन की, उनके साथ चिपक जाते हैं। और वहाँ पर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर इनका जो रूटीन होता है उसमें इनका एनसिस्टमेंट होता है, ये ट्रोफोजॉइट है, और ट्रोफोजॉइट जो है ये क्या होगा, अब एनसिस्टमेंट होगा,
इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके ये सिस्ट बनाते हैं, हर एक सिस्ट से फिर से दो ट्रोफोजाइट बाहर आते हैं, तो इस तरह से इनका कंटेमिनेशन बढ़ता चला जाता है। अब कुछ जो ट्रोफोजाइट्स हैं या कुछ जो सिस्ट्स हैं वो पास आउट होंगी कहाँ, पास इन स्टूल या फिकस, फिकस के साथ बाहर आ जाएंगी। अब वो जो इन्फेक्टेड फिकस है जिसमें ट्रोफोजाइट्स भी हैं सिस्ट्स भी हैं वो कहाँ जाएगा, या तो सॉइल में जाएगा या वाटर में जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर वो कंटेमिनेशन काज करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ट्रोफोजॉइट्स होते हैं उनका सर्वाइवल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या बाहर जो है वो पॉसिबल नहीं होता, तो जो ट्रोफोजॉइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो सिस्ट हैं चूँकि उनके पास क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, शेल है, तो उसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और लॉन्गर पीरियड के लिए सॉइल में या वाटर में बने रह सकते हैं। अब ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है ये जब कोई हेल्दी पर्सन ड्रिंक करेगा या जो कंटेमिनेटेड सॉइल है उसमें उगे हुए कोई भी चीज़ें जो जैसे सब्जियां हैं या फल हैं आप खाते हैं जो कंटेमिनेटेड हो, तो वहाँ से भी मैन टू मैन जो इसका कंटेमिनेशन है वो भी पाया गया है, ठीक है। तो कई वेज हो सकते हैं कंटेमिनेशन के, तो बहुत सिंपल सी लाइफ साइकिल है इसकी, ये हो गई लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, एक तो एक्सिस्टमेंट और दूसरा एनसिस्टमेंट, ठीक है। जब भी एनसिस्टमेंट तो एक ट्रोफोजॉइट का होगा, लेकिन जब एक्सिस्टमेंट होगा तो उससे दो ट्रोफोजॉइट बाहर आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिटी की, तो अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिटी की। तो जियार्डिया के इन्फेक्शन से जो डिजीज़ काज होती है, इस डिजीज़ का नाम है जियार्डियेसिस। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे कॉमन सिम्टम तो है स्टमक एक, ठीक है, और दूसरा जो सिम्टम है वो डिजेंट्री। जो अमीबिक डिजेंट्री पढ़ी होगी आपने और जो जियार्डियल डिजेंट्री है, दोनों में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो स्टूल एग्जामिनेशन या जो पेशेंट होता है उससे पूछकर ही समझ जाते हैं कि इसको अमीबिक डिजेंट्री है या जियार्डियल डिजेंट्री हो रही है, ठीक है। दोनों ही केसेस में बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, दोनों ही केसेस में जो फीकस है वो ऑलमोस्ट सेमी लिक्विड या कई बार तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो अमीबिक डिजेंट्री है उसमें जो फीकस होता है उसमें बबल्स भी होते हैं साथ में, ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं बुझबुझेदार, बुझबुझे से होते हैं उसमें। लेकिन जो जियार्डियल इन्फेक्शन होता है उसमें फैटी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसका जो फीकस होता है उसमें जब वास किया जाता है फीकस तो ग्रीसी टच आता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट जो हैं वो आसानी से समझ जाते हैं कि इसको किस तरह का इन्फेक्शन है। कुछ और सिम्टम्स में जैसे गैस है, बॉवल्स हैं, जो स्टमक इरिटेशन है, ये सब ऑलमोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स जो हैं वो पूछ के पेशेंट से पता कर लेते हैं कि किस तक का इन्फेक्शन है। जो इसके अलावा जो स्टूल एग्जामिनेशन है डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस में आप स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, डायग्नोसिस इसमें स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट है इसमें सबसे कॉमन ट्रीटमेंट जो है वो मेट्रोनिडाजॉल, आप जानते होंगे मेट्रोजिल के नाम से आती है, मेट्रोनिडाजॉल या अल्बेंडाजॉल भी दी जा सकती है। जो लॉन्गर ड्यूरेशन होते हैं उसमें अल्बेंडाजॉल प्रीफर करते हैं, जब सिम्टम्स जो हैं पेशेंट बहुत क्लियर नहीं बता पाता है, क्योंकि कई बार जो वर्म्स का इन्फेक्शन होता है, राउंड वर्म्स एस्केरिस का इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी स्टमक एक हो सकता है। तो अगर डॉक्टर जो है प्रॉपरली अगर पेशेंट बता नहीं पा रहा है और डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो फिर अल्बेंडाजॉल रिकमेंड कर दी जाती है, ठीक है।
तो ये एंटी हेलमेंथिक है, लेकिन जीआरडीएल इन्फेक्शन में भी इसको रिकमेंड किया जा सकता है। तो ये तो इसके ट्रीटमेंट हो गया। अब जो लास्ट में इसमें बचता है कि कंट्रोल मीज़र्स, तो कंट्रोल मीज़र्स में जो आप कर सकते हैं कि जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए। अगर आपको कहीं से भी कंटेमिनेटेड अगर वाटर आप ड्रिंक कर रहे हैं या जो फूड है आपका उसमें कंटेमिनेशन है, क्योंकि इस पैरासाइट की एक और खासियत है कि इसकी जो सिस्ट्स हैं ये क्लोरीनेशन, नॉर्मल क्लोरीनेशन करके वाटर को ट्रीट किया जाता है, तो ये क्लोरीनेशन को भी बियर कर सकते हैं, यानी उससे भी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं ये सिस्ट। तो वाटर जो है वो आपका प्रॉपरली ट्रीटेड होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनेसिटी ऑफ द जीआरडिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो जो थर्ड पैरासाइट है उचरेरिया उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।